नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल में आपके साथ माधुरी कश्यप। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं, कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है, मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। केंद्र सरकार ने लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर के लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। इसमें पीएम किसान लाभार्थी भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। चंद घंटों के बाद देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लाल किले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह कई महीनों में खास होने वाला है। इस बार यहां पीएम किसान लाभार्थी सहित देश भर के लगभग 1800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया। ये पहल सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है। इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच शामिल हैं। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 प्रतिभागी, नई सांसद भवन सहित सेंट्रल विस्टा परियोजना के 50 श्रम योगी, निर्माण श्रमिक और 50-50 खादी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। हर घर जल योजना परियोजनाओं से मदद करने वाले और काम करने वालों को भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए उनके जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया। इसके अलावा 50-50 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, नर्स और मछुआरों का नाम भी सूची में शामिल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इनमें से कुछ विशेष अतिथि दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। सभी आधिकारिक निमंत्रण पोर्टल के जरिए ऑनलाइन भेजे गए। इस पोर्टल के जरिए निमंत्रण कार्ड भी जारी किए गए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, इन योजनाओं पहले में वैश्विक आशा, टीके और योग, उज्ज्वला योजना, अंतरिक्ष शक्ति, डिजिटल इंडिया, कौशल भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, नया भारत, पावरिंग इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन शामिल है। इस समारोह के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय द्वारा 15-20 अगस्त तक माईगोव पोर्टल पर एक ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 12 में से एक या अधिक स्थानों पर सेल्फी लेने और उन्हें माईगोव प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कुल 12 विजेताओं प्रत्येक स्थान से एक का चयन ऑनलाइन सेल्फी प्रतियोगिता के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को ₹10,000 की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अभी खबरें देखने के लिए बने रहिए वैश्य व्यापार न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।